अपनी तांबा और पीतल के आइटम्स को और अपनी गोल्ड ज्वेलरी को भी कम से कम समय में और बिना एफर्ट्स लगाए पहले की तरह चमचमाता हुआ बना सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिल्वर आइटम्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में पानी बॉईल करेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि हमारे पूरे जो सिल्वर आइटम्स है वो अच्छी तरह से डूब जाएं। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद मैं इसमें एल्यूमिनियम फॉइल डाल रही हूँ। जी हाँ, वही एल्यूमिनियम फॉइल जिसे हम खाना रैप करने के लिए यूज करते हैं। दो बड़े पीस एल्यूमिनियम फॉइल को फोल्ड करके मैं इस उबलते पानी में डाल रही हूँ और इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा ऐड किया है। और अब तुरंत ही हम हमारे जो सारे चांदी के पूजा आइटम्स थे जिन्हें भी हम क्लीन करना चाहते हैं वो डाल देंगे। इन आइटम्स को हमें जल्दी जल्दी रोटेट करते रहना है और कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि चांदी से पूरी गंदगी निकलने लगी है। हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा है इन सारे आइटम्स को अच्छी तरह से क्लीन होने में। जैसे ही ये सारे आइटम्स हमें अच्छी तरह से क्लीन लगने लगे हम इसे निकाल लेंगे पानी से और ठंडे पानी में डाल देंगे। एक बार इस साफ पानी से हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और ये देखिए ये कैसे नए की तरह एकदम चमचमा उठे हैं। बिना बिल्कुल भी एफर्ट्स लगाए बिना किसी ब्रश का यूज किए विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ही ये बिल्कुल नए जैसे। कॉपर और ब्रास को क्लीन करने का सेम प्रोसीजर है। एक बाउल में मैंने 2 टेबलस्पून आटा लिया है। नेक्स्ट में इसमें 2 टेबलस्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून ही डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड करेंगे। जो भी डिटर्जेंट पाउडर हो आपके घर में आप वो यूज कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें व्हाइट विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे। विनेगर इतना ऐड करना है कि एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाए। ये मेरा पूजा का एक कलश है तांबे का जो एकदम काला है। इसे हम पेस्ट से पूरी तरह से कवर कर देंगे। इसके बाद हम इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। चाहे तो आप डायरेक्टली भी इसे क्लीन करना स्टार्ट कर सकते हैं पर अगर हम 15 मिनट्स इसे छोड़ देंगे तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली ये पीतल यानी ब्रास का एक भगवान जी का सिंहासन है। इसे भी मैं इस पेस्ट से अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ। आप चाहे तो एक टूथब्रश का भी यूज कर सकते हैं। 15 मिनट्स के बाद हम इसे रब करना स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी स्क्रबर या फिर टूथब्रश का यूज कर सकते हैं। थोड़े से ही एफर्ट्स लगाने के बाद आप देखेंगे कि कैसे इसमें से गंदगी निकलती जा रही है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। पहले जिस तरह से हमारी दादी और नानी नींबू और नमक से तांबे के बर्तनों को साफ करती थी ये भी लगभग उसी तरह का है। बट बस इस प्रोसेस से आपको टाइम और एफर्ट थोड़े कम लगेंगे। अगर आप इसे 15 मिनट छोड़ देंगे तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। मार्केट में जो पीतांबरी आती है ना ये पेस्ट बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। और ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल नए जैसे। जो इतना काला मेरा तांबे का जो कलश था वो भी क्लीन हो गया है काफी हद तक और जो थोड़े बहुत उसमें दाग धब्बे रह गए वो एक वॉश में और निकल जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक तो कर ही दीजिए। हम हमेशा गोल्ड ज्वेलरी को बस पहनते जाते हैं पर फ्रीक्वेंटली उसे क्लीन करने का नहीं सोचते। पर इन छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स में भी बहुत डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। इसके लिए मैंने एक बोल में गर्म पानी लिया है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी भी ऐड करूंगी। और अब बस जो भी ज्वेलरी हमें क्लीन करनी है उसे हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम इसे एक टूथब्रश की हेल्प से क्लीन करेंगे। जो भी डर्ट छोटे छोटे कोनों में थी उसे भी अच्छे से रब कर लेंगे। इससे हमारी ज्वेलरी क्लीन भी हो जाएगी और उसमें हल्की सी शाइनिंग भी आ जाएगी। इस मेथड से जो आपकी प्योर गोल्ड ज्वेलरी है उसे ही क्लीन करें, डायमंड ज्वेलरी को क्लीन ना करें। अच्छी तरह से क्लीन होने के बाद आप इसे एक नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, कपड़े से सुखा लीजिए और ये देखिए आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो भी पहले की तरह एकदम चमचमा उठी है। उसमें अलग ही शाइनिंग आ जाएगी, एक हल्का सा पीलापन आ जाएगा
और वो एकदम नए जैसे लगने लगेगी। इस दिवाली इन सारे टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। अर्बन रसोई को सब्सक्राइब करने के साथ ही उसके पास में एक घंटी है, उसे जरूर से बजाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।